मुजाकरात मैंने शुरू से कहा था हम तैयार बैठे। जनरल बाजवा से मैंने दो दफा मुजाकरात की, टीम बनाई हुई थी जो उनसे मुजाकरात करती थी, सिर्फ ये कहने के लिए कि ये हो ही नहीं सकता कि आप मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप उसको उसके ऊपर कांटा डालते हैं तो फिर जमहूरियत पर कांटा डाल देते हैं, ये तो कहीं होता ही नहीं है, तो इसलिए मुजाकरात करते थे। जब जनरल बाजवा गया उसके बाद फिर मुजाकरात की पूरी कोशिश की। बात मैं आज भी करने के लिए तैयार हूं, और इसलिए कि ये इमरान खान की अब बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात। वो शायद ये समझते हो कि मैं को कमजोर हो गया हूँ, मैं को घबरा गया हूँ, मुझे अकेला किया हुआ है, तो शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे आप कुछ नहीं दे सकते, कौम मेरे साथ खड़ी है, क्या कोई दे सकता है, मैं कोई चोर दरवाजे तो आना नहीं चाहता। मैं हकीकी आजादी की जद्दोजहद 27 साल से कर रहा हूँ, मैं डील्स करने के लिए नहीं कर रहा कि जी अगर ये करें तो हम आपको आगे वजीर आजम बना देंगे, ये कर देंगे, मैं ये वजीर आजम के लिए नहीं कर रहा, मैं एक अपने मुल्क के और अपने मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। मैं बातें भी आपके लिए इसलिए कहता हूँ कि डायलॉग करो, क्योंकि जिस तरफ ये निकल गए हैं यहाँ तो आगे अंधेरा है। हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो भी पैसे देने के लिए नहीं दिया, रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी दौलत में इजाफा कैसे होगा। उसके लिए जब तक के हुकूमत नहीं आती जो पब्लिक मैंडेट से आए, जिसको पब्लिक सपोर्ट करे, जब तक एतमाद नहीं होता पैसा नहीं आने लगा। मकसद क्या है कि किसी तरह इमरान खान के ऊपर कांटा डाला हुआ है, अब उसने नहीं आना, और अगर तरीके इंसाफ भी आएगी तो वो सुकड़ के एक छोटी सी जमात लेके आनी है, इस मुल्क में वो खिचड़ी पकी रहे और जनाब एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल हो जाए। एक तारीख का स्टूडेंट होते हुए तो अपनी कौम को आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि जिधर ये हम पहुंच गए हैं और आगे लेके जा रहे हैं, उन मुल्कों का हाल क्या होता है। यही हाल जब दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप आधा आजाद हो गया, या जमहूरियत आ गई, वहां आधे यूरोप के अंदर इसी तरह के हालात आमरियत आ गई, मीडिया के ऊपर कंट्रोल, लोगों की जिंदगी पे कंट्रोल, इस तरह फिर रहे थे, जासूस फिर रहे थे सारी जगह, कोई बात करता था उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे, लोग गायब हो जाते थे घरों से। यही हालात सोवियत यूनियन का जो हिस्सा बने ईस्टर्न यूरोप में आ गए, वेस्टर्न यूरोप था वो आजाद हो गया, वहां जमहूरियत आ गई। 50 साल के बाद ईस्टर्न यूरोप पीछे रह गया और वेस्टर्न यूरोप खुशहाल होकर आगे बढ़ गया। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक ही लोग हैं, जर्मन एक ही लोग हैं, ईस्ट जर्मनी में आ गए इसी तरह के हालात, आमरियत आ गई, वेस्ट जर्मनी आजाद हो गया, वेस्ट जर्मनी उस्मानों पर चला गया, ईस्ट जर्मनी पीछे रह गया। स्पेन के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई, वहां यही हालात थे जो आज हमारे से हो रहा है, स्पेन में 30 साल के लिए फ्रेंको बैठ गया डिक्टेटर, सारा वेस्टर्न यूरोप आगे निकल गया, स्पेन पीछे रह गया। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया एक ही लोग हैं कोरियंस, नॉर्थ कोरिया के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई, साउथ कोरिया के अंदर जमहूरियत आ गई। आज साउथ कोरिया आसमानों पर है, नॉर्थ कोरिया में लोग भूखे मर रहे हैं, अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है कि लोग भूखे मर रहे हैं नॉर्थ कोरिया। हमें जब एक चीज की समझ है कि आजाद इंसान ही ऊपर जाते हैं, उनकी परवाज ऊपर होती है। कुरान के अंदर फिरौन को, उसके तकबर को, उसके खिलाफ अल्लाह जब उसके ऊपर जब तफसरे होते हैं कुरान में कि फिरौन इंसानों को गुलाम बना रहा था, और ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को इंसान की गुलामी से आजाद करता है, तो जो इंसान इंसानों को गुलाम बनाता है, अल्लाह ने उसको जो फिरौन की मिसाल बताई हुई है